पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा, पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वायवाड से लेके सब जगह चुनाव है लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति, एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो, मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। लोग यहाँ एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर माफ़ लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही है। सर अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सी जी कैंडिडेट का कोई औचित्य था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया कौन-कौन लोग यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजा अफ्तर क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को बाप को गाली दिलवाना हो यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे, तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो आईटीएन है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए? अब आप देखिए ना, आज तक आज तक किसी की सिर्फ पप्पू पप्पू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं पूर्णिया की जनता से कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए, इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या कह अररिया में आज मोदी? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है, सबको अधिकार है ना, आए थे ना पूर्णिया, पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है। पप्पू जी सामने देखिए, बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करते हैं। पूरी लग रही है, बगल में आ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा अगल बगल के? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है, यहाँ सिर्फ बेटे का इंपैक्ट है, किसी का इंपैक्ट नहीं है। और मैं यह नहीं कहूँगा औरों की तरह, ये भी साजिश है। मोदी जी को आने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए, उनको मैं सीमांचल में सम्मान करूंगा और मैं चाहूंगा कि विकास का काम करें। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया। सर एक बात हो गया, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। बड़े राजा ने भी अपील, खरसा में अपील किया के खिलाफ नहीं बोल रहे सर, किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो। आप हमको बताओ, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो? आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने आपने कांग्रेस, आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं कहा कि इंडिया को नहीं वोट दीजिए जा तो एनडीए को दे दीजिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आप किस मुंह से दूसरे जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटिमेंट के साथ खेल गए ना हो, दलित के, आदिवासी के,
माइनोरिटीज के सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना, क्या कीजिएगा, आपके जज्बात के साथ खेल गए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूर्णिया की महापर्व में आज पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है, पत्रकार महोदय लोग का हमको ब्लेसिंग चाहिए। मैं आप सबसे आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ, मैं दिल से मुझे आप आशीर्वाद देंगे। प्रणाम, पूर्णिया सलाम।